आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, जिसमें रोहिलखंड और लखनऊ मंडल के शाहजहांपुर, लखीमपुर और पीलीभीत की स्थिति गंभीर है। शाहजहांपुर में सेना की ओर राहत बचाव कार्य के लिए लगा दिया गया है, वही पीलीभीत में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर जनपद में बाढ़ ने अपना रौ दुरूप धारण कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शाहजहांपुर महानगर के शहरी क्षेत्र भी जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आपको बता दें, शाहजहांपुर महानगर दो नदियों गर्रा और खन्नौत के बीच में बसा हुआ है, जिसके कारण यहां पर बाढ़ से लोगों के सामने सबसे अधिक संकट खड़ा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेना व NDRF को बुला लिया है। सेना के जवान घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। शाहजहांपुर नगर के ख्वाजा फिरोज, रेती, हनुमत धाम, नई बस्ती, ब्रजविहार कॉलोनी, लोधीपुर, खन्नौत नदी के प्रकोप से जलमग्न हो गए हैं। वहीं सुभाष नगर, अजीजगंज, ककरा कला आदि मोहल्ले गर्रा की मार झेल रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की है। DM उमेश प्रताप सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने CMO को भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ितों को डॉक्टर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में NDRF व मद्रास रेजिमेंट की टीम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने व बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया। जनपद का राजकीय मेडिकल कॉलेज भी बाढ़ की चपेट में है, जिससे मरीजों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। थाना रोजा क्षेत्र के लोक विहार व अक्षरधाम कॉलोनी भी बाढ़ की चपेट में है। वहीं तहसील तिलहर के कुछ ग्रामीण क्षेत्र रामगंगा, बहुगुल, कटना नदियों की चपेट में आ गए हैं। यहां पर 49 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तहसील पुआए में निगोही मार्ग में पुलिया पर पानी आ जाने से मार्ग बंद कर दिया गया है। जलालाबाद कलान में नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, फिर भी कुछ गांव प्रभावित हो रहे हैं तथा सदर तहसील में खन्नौत नदी से प्रभावित परिवारों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी में पलिया तहसील का क्षेत्र शारदा नदी से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां से शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। पीलीभीत जनपद में भी बाढ़ का प्रकोप है, और पीलीभीत जनपद देखा जाए तो बाढ़ से बच नहीं सका। पीलीभीत जनपद भी बाढ़ प्रकोप से बच नहीं सका है। पीलीभीत के बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे हैं तथा बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो अप्रत्याशित रूप से एकदम से जो अतिवृष्टि हुई वर्षा अधिक होने से जानकारी करने पता चला ये अतिवृष्टि का ही पानी शाहजहांपुर में आया है, जिससे हमारे कई मोहल्ले प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आज सभी क्षेत्रों का हमने दौरा किया और जो जो लोग जहाँ के लोग प्रभावित हैं उनको नाव से निकाला भी जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। दोनों डैम बसेरों में भी और गन्ना शोध परिषद के गेस्ट हाउस पर साथ ही साथ उनके भोजन पानी का इंतजाम भी किया गया और लगातार ये कोशिश जारी है। ये भी पता चला है कि अभी कल तक ये स्थिति बनी रहे, इसलिए सभी लोगों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहे। आज हमारे साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और भी हमारे पॉलिटिकल खासतौर से श्री विनोद पाल सिंह जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, महानगर के अध्यक्ष, और उनके साथ काफ़ी लोगों ने क्षेत्र का दौरा किया और हर संभव प्रयास किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को सहायता।